नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बज मीडिया में। दोस्तों, खाने का सामान जुटाने के लिए टीनेजर लड़कियां महज 22 रुपए तक में देह व्यापार कर रही हैं। वहीं कुछ बेहतर स्थिति में लड़कियों को 70 से 80 रुपए भी इसके लिए मिल रहे हैं। यह हालात दक्षिणी अफ्रीका के कई इलाके के हैं जो खाने के संकट का सामना कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक मानवीय आधार पर लोगों को सहायता पहुंचाने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड विजन ने कहा है कि भूख से जान बचाने के लिए अंगोला में महज 12 साल तक की लड़कियां करीब 30 रुपए में देह व्यापार कर रही हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि दक्षिणी अफ्रीका में 4.5 करोड़ लोग भूख की समस्या झेल रहे हैं। इसके पीछे सूखा, बाढ़ और आर्थिक हालात को जिम्मेदार बताया गया है। वर्ल्ड विजन का कहना है कि उनके स्टाफ ने देखा है कि अंगोला और जिम्बाब्वे में देह व्यापार करने वाली लड़कियों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं संकट की वजह से बाल विवाह का खतरा भी बढ़ गया है। अंगोला में वर्ल्ड विजन के इमरजेंसीज डायरेक्टर रॉबर्ट बुल्टन ने कहा, हो सकता है कि यहां एक लड़की को सेक्स के लिए 72 रुपए यानी स्थानीय मुद्रा में 500 क्वांजा मिल जाए या उसे 29 रुपए यानी 200 क्वांजा भी मिल सकते हैं। रॉबर्ट ने कहा कि बीते एक साल में अंगोला में कई अनाजों के दाम 2 गुने हो गए हैं, जिससे लोगों को उन्हें खरीदने में मुश्किल हो रही है। अगली फसल जून से पहले नहीं होगी, इसलिए अभी हालात और खराब हो सकते हैं। जिम्बाब्वे को लेकर केयर इंटरनेशनल संस्था ने भी कहा है कि 14 साल तक की लड़कियां देह व्यापार कर रही हैं। संस्था की रीजनल जेंडर एक्सपर्ट एवर जॉय मोहक ने कहा, कई बार इन लड़कियों को महज 22 रुपए ही मिलते हैं। एक्शनल एड के रीजनल एडवाइजर चिकोंडी चबूता ने कहा कि मलावी और मोजाम्बिक में भी लड़कियों और महिलाओं को जबरन देह व्यापार करना पड़ रहा है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में 1981 के बाद अब तक की सबसे कम बारिश हुई है। यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि इसके पीछे क्लाइमेट चेंज भी वजह है। जाम्बिया, मडागास्कर, नामीबिया, लेसोथो और इस्ताविनी जैसे अफ्रीकी देश भी इससे प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।